प्रेरितों के काम 2:14-15 लिखा है, पत्रस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही का दिन चढ़ा है। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए यहाँ पर पत्रस क्या कहता है। मेरे विचार में हमारे लिए यह जानना उचित है कि यह कलीसिया कौन थी। ये कलीसिया यहूदा वासियों और यरूशलेम वासियों की थी। उस युग में यरूशलेम पूर्ण रूप से एक यहूदी नगर था। पिलातुस और उसके कर्मियों का मुख्यालय कैसरिया में था, यरूशलेम में नहीं। अतः यह आरंभिक कलीसिया 100% यहूदी थी, पूर्ण रूप से इसराइलियों की। हमारे लिए आवश्यक है कि हम यह समझें, कलीसिया का आरंभ यरूशलेम में हुआ और फिर यहूदा में विस्तार हुआ, इसके बाद सामरिया और उसके बाद पृथ्वी की छोर तक, जो हम तक आज पहुंचा है। उस दिन से आज तक यह कलीसिया का विकास है। पुराने नियम में आराधना के लिए संसार को यरूशलेम आना होता था, परंतु प्रभु यीशु ने आदेश दिया कि वे यरूशलेम से निकलकर पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार को ले जाएं। पत्रस उनकी निंदा के उत्तर में कहता है कि वे नशे में नहीं थे, क्योंकि उस युग के लोग दिन के उस समय मदिरा पान नहीं करते थे, जैसा कि लोग आज सुबह उठते ही करते हैं। वह ठड्ढा करने वालों से कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पत्रस उनके धर्मशास्त्र का संदर्भ देता है। प्रेरितों के काम 2:16 में लिखा है, परंतु यह वह बात है जो युएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। मेरे मित्रों, वह ठड्ढा करने वालों और अविश्वासियों के लिए यह एक भविष्यवाणी है जिसे वह दोहराता है। वह यह नहीं कह रहा है कि भविष्यवक्ता युएल की भविष्यवाणी पूरी हुई, परंतु यह कि यह बात तो युएल की भविष्यवाणी के समान है। वह कहता है, तुम इसे विचित्र या असामान्य क्यों समझते हो? भविष्यवाणियों में ऐसा होना लिखा है। वह भविष्यवाणी का संदर्भ देता है जो अच्छा ही है, क्योंकि इससे प्रकट होता है कि वह भविष्यवाणी की पूर्ति का दावा नहीं कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि यह अवश्यंभावी क्या है। प्रेरितों के काम 2:17-21 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लोहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लोहू हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, मेरे विचार में कोई भी दावा नहीं कर सकता था कि पेंतिकोस्त के दिन चांद रक्त रंजित हो गया था या सूर्य अंधेरा हो गया था। यीशु के क्रूसीकरण के समय निसंदेह सूर्य 3 घंटे अंधकार हो गया था, परंतु पेंतिकोस्त के दिन ऐसा नहीं हुआ। न तो आकाश में अद्भुत काम और न ही नीचे धरती पर चिन्ह दिखाई दिए, न ही लोहू आग और धुआं दिखाई दिया। इस पर बाइबल का संदर्भ देने में पत्रस का उद्देश्य था कि निंदा करने वालों को समझाए कि परमेश्वर के आत्मा का अवतरण उनके लिए कोई विचित्र बात नहीं है। युएल ने यह भविष्यवाणी की थी और ऐसा होना आवश्यक था। मेरे प्रिय मित्रों, युएल की पुस्तक 2:28-32 में आज तक हम देखते हैं कि वह पूरी नहीं हुई है। हमने तो युएल की भविष्यवाणियों से मुंह मोड़ लिया है, परंतु प्रभु के दिन के विषय वह बहुत कुछ कहता है। प्रभु का दिन महाक्लेश से आरंभ होगा और 1000 वर्ष तक चलेगा। युएल की पुस्तक के 3 अध्यायों में 5 बार प्रभु के दिन का उल्लेख किया गया है। युएल कहता है कि वह युद्ध का समय होगा और पृथ्वी पर परमेश्वर के दंड का समय होगा। यह भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है, यह पेंतिकोस्त के दिन भी पूरी नहीं हुई थी। प्रिय मित्रों, शिमोन पत्रस जो कह रहा था वह केवल यह था
यह कोई विचित्र या विपरीत बात नहीं है। वह दिन आने वाला है जब यह होगा। आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह लगभग वैसा ही है। इस प्रस्तावना के बाद वह मुख्य बात पर आता है। मित्रों, स्मरण रखें कि वह पुराने नियम के जानकारों से बात कर रहा था। इसमें आप 2010 वर्ष पूर्व की कलीसिया इतिहास को न जोड़ें। यह तो कलीसिया का आरंभ था। पेंतिकोस्त का दिन कलीसिया का सूत्रपात था। हे यहूदियों, वह नहीं कहता है, परंतु कहता है हे भारतवासियों, और वह मुख्य विषय पर आता है। मेरे अपने विचार में सामर्थ के कार्य, आश्चर्य कर्म और चिन्ह अलग अलग हैं। आश्चर्य कर्मों का उद्देश्य अलग था और सामर्थ के कार्यों का उद्देश्य भी अलग था और चिन्हों का उद्देश्य भी अलग था। यीशु ने कुछ काम चिन्ह स्वरूप किए। चंगाई के आश्चर्य कर्म उसके श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए किए गए थे और हमारा प्रभु इन तीन क्षेत्रों में क्रियाशील था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 23 और 24 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, उसी को जब वह परमेश्वर के ठहराए हुए मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। मेरे मित्रों, पत्रस के कहने का अर्थ था कि वह घटना परमेश्वर की योजना के विरुद्ध नहीं थी। वह परमेश्वर के लिए आश्चर्य की बात नहीं थी। तथापि उसने स्पष्ट किया कि इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया। मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के उत्तरदायी कौन थे? धर्मगुरु, जिन्होंने यह अभिमान चलाया था? मैं कहूंगा कि मुख्य दोष उन्हीं का था। उन्होंने भीड़ को बाध्य किया कि वे हाहाकार मचाएं। उन्होंने रोमी साम्राज्य को पदभ्रष्ट किया कि उसे मृत्यु दंड दे। मेरे मित्रों, स्मरण रखें कि उसे रोमी क्रूस पर चढ़ाया गया था। पत्रस अपने इसराइली समाज पर उंगली उठा रहा था। उस समय उसकी मृत्यु का उत्तरदायी कौन था? इस पर विवाद करना अव्यर्थ है। मैं बताता हूं कि उसकी मृत्यु का उत्तरदायी कौन है। आप उत्तरदायी हैं, मैं उत्तरदायी हूँ। आपके पापों और मेरे पापों के कारण ही वह मारा गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 17 और 18 पद में यीशु के वचनों पर ध्यान दीजिए। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। मेरे प्रिय मित्रों, पत्रस उन लोगों से कह रहा है कि जो क्रूस के षड्यंत्र में सहभागी थे, उसने कहा, तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। यह उसके संदेश का मुख्य भाग नहीं था। उसने कहा, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। वह मसीह यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहा था। यह कलीसियाई युग का सर्वप्रथम उपदेश था या आरंभ था। मेरे प्रिय मित्रों, यह पेंतिकोस्त का दिन था। उसका विषय क्या था? यह योएल की भविष्यवाणी नहीं थी। मेरे प्रियो, यह मसीह यीशु का पुनरुत्थान था। हम उसके विषय को बदलने का प्रयास न करें। अब वह भजन संहिता 16 उसके 8 से 10 पद का संदर्भ देता है, और अच्छा ही हुआ कि उसने ऐसा किया, क्योंकि इसके द्वारा मुझे भजन 16 समझने में आसानी हो गई। हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय 25 से 27 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर आप अधोलोक को नरक न समझें। हम प्रेरितों के काम 2 उसके 28 पद में आगे पढ़ेंगे, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। भजन संहिता 16 में दाऊद मसीह के पुनरुत्थान की चर्चा कर रहा है। यह अब पूरा हो गया है। पत्रस क्योंकि पवित्र आत्मा से भर गया था, इसलिए वह इसका अर्थानुवाद कर रहा था।
अब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 29 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। मेरे मित्रों, यहाँ पर प्रकट है कि पत्रस मंदिर परिसर में उपस्थित था। वह दाऊद के कब्र की ओर संकेत कर रहा था। वह कह रहा था कि यह तो स्पष्ट है कि दाऊद अपने बारे में नहीं कह रहा था, क्योंकि वह तो मर चुका है और उसकी हड्डियां वहां उसकी कब्र में हैं, उसकी देह भी नष्ट हो चुकी है। अतः वह स्वयं के लिए नहीं, परंतु एक ऐसे पुरुष के लिए कह रहा था जिसे आप और मैं जानते हैं, ऐसा पुरुष जिसने देह का सड़ना ना देखा। इसी यीशु को परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 30 और 31 पद में आगे लिखा हुआ है, सो भविष्यवक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा, उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। मेरे मित्रों, भजन संहिता 16 में दाऊद यही कह रहा था। वह मसीह यीशु के पुरुत्थान के बारे में कह रहा था। अब आप कहेंगे, मैं तो भजन 16 में नहीं पढ़ता कि यीशु मृतकों में से जी उठेगा। मेरे मित्रों, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा भजन संहिता 16 का अर्थानुवाद कर रहा है। अब हम घर जाकर भजन 16 पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जान गए हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संबंध में है। मेरे मित्रों, पत्रस यहाँ कहना क्या चाह रहा है? वह मसीह यीशु के पुनरुत्थान की चर्चा कर रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि कलीसिया का सर्वप्रथम उपदेश ईस्टर संदेश था। आरंभिक कलीसिया का प्रत्येक उपदेश ईस्टर या प्रभु के जी उठने का संदेश था। हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 32 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। मेरे मित्रों, उस दिन पत्रस भीड़ से कह रहा था कि गलीलियों के मुंह से उनकी अपनी अपनी भाषा सुनने का चमत्कार केवल इसलिए हुआ कि मसीह यीशु मृतकों में से जी उठा है। तब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 33 से 35 पद में पढ़ते हैं, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। मेरे मित्रों, पुराने नियम के पवित्र जन स्वर्ग नहीं गए थे। यदि ऐसा होता तो दाऊद स्वर्ग में होता। दाऊद का स्वर्ग रोहन नहीं हुआ था। पुराने नियम के पवित्र जन एक दिन जीवित किए जाएंगे कि इस पृथ्वी पर वास करें। यह कलीसिया होगी जिसे नए यरूशलेम में प्रवेश कराया जाएगा। विश्वासियों के लिए कहा गया है कि वे शरीर में अनुपस्थित होकर प्रभु के साथ उपस्थित रहते हैं, जिसे हम दूसरा क्रंथियों की पत्री 5 अध्याय के 8 पद में देखते हैं। अब वह भजन संहिता 110 के 1 पद का संदर्भ देकर उन्हें समझा रहा है कि यीशु स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ उपस्थित है। वह वहां तब तक रहेगा जब तक वह अपना राज्य स्थापित करने ना आए। परमेश्वर के दाहिना हाथ रहते हुए भी वह संसार में अपना काम कर रहा है। हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 36 पद में पढ़ते हैं, सो अब इसराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। मेरे मित्रों, वह मसीह यीशु के पुनरुत्थान की चर्चा कर रहा था कि वह उनके ही पापों के लिए मरा, परंतु फिर जीवित हो उठा। हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 37 पद में पढ़ते हैं, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पत्रस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। यहां पर हम देखते हैं कि शिमोन पत्रस के संदेश से उन्हें अपराध बोध हुआ। तब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 38 पद में पढ़ते हैं, पत्रस ने उनसे कहा,
मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मेरे मित्रों, यह उन लोगों के लिए था जिनके पास परमेश्वर का वचन था, जिन्होंने संदेश सुना था, जो भविष्यवाणियां जानते थे। वे ऐसे मार्ग पर थे जो परमेश्वर से दूर ले जाता था। यद्यपि उनके पास परमेश्वर द्वारा दिया गया धर्म था, उन्हें मन फिराव के लिए कहा गया, उन्हें पलटकर परमेश्वर के मार्ग पर आने के लिए कहा गया। पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराव और बपतिस्मा लो। मेरे मित्रों, पानी का बपतिस्मा इस बात का प्रमाण होगा कि उन्होंने मन फिराया है और मसीह के पास आ गए हैं, उन्होंने मसीह में विश्वास कर लिया है। अब पत्रस उनसे कहता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यह आपका प्रमाण होगा कि आपने अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह में विश्वास किया है। मेरे मित्रों, इसकी अपेक्षा कि मंदिर में चढ़ाने के लिए बलि लेकर आए, उनका बपतिस्मा इस बात की गवाही होगी कि मसीह परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पाप उठा ले जाता है। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जो विश्वास करता है और जो मसीह यीशु में भरोसा रखता है, वह पवित्र आत्मा का वरदान पाएगा। प्रेरितों के काम 2:39 में लिखा हुआ है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। 2010 वर्ष पूर्व आप और मैं बहुत दूर थे, वह यहां हमारे बारे में कह रहा है। प्रेरितों के काम 2:40 में लिखा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। मेरे मित्रों, यहाँ पर दूसरे शब्दों में इस धर्म को त्याग कर मसीह के पास आ जाओ, क्योंकि यह धर्म तुम्हें आज़ादी या मुक्ति नहीं देगा। प्रेरितों के काम 2:41 में पढ़ते हैं, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। मेरे प्रिय मित्रों, ये लोग किसी प्रचारक के आंकड़े नहीं, सच्चा नया जन्म प्राप्त किए हुए विश्वासी थे। यह एक स्थान है जहां मन फिराने वालों की संख्या एकदम सही है। हम आगे देखते हैं, अस्तित्व में आई कलीसिया। प्रेरितों के काम 2:42 में कृपया इसे ध्यान से सुने, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। मेरे पास एक छोटी पुस्तक है जिसमें लिखा है कि सच्ची कलीसिया को कैसे पहचाने। उसकी पहचान के 4 चिन्ह हैं। पहला, वे प्रेरितों की शिक्षा पाने में लवलीन रहें। कलीसिया की पहचान आराधनालय का ऊंचा कंगूरा या घंटी की आवाज नहीं है, न ही प्रचार मंच की स्थिति की वह कहाँ है या गायन मंडली की बैठने का स्थान। मुख्य बात तो यह है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में लवलीन हैं या नहीं। कलीसिया की मुख्य पहचान सही शिक्षा है। दूसरी पहचान, संगति रखना। वे मसीह की बातों को आपस में बांटते थे। और तीसरी बात है, जो तीसरी पहचान है, रोटी तोड़ना। रोटी तोड़ना प्रभु भोज के संस्कार मात्र से कहीं अधिक है। इसका अर्थ है मसीह की संगति और उसके संबंध में आना। और चौथी पहचान है प्रार्थना करना। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की एक औसत कलीसिया में इसका स्थान बहुत कम है, अर्थात यह कलीसिया की एक प्रकट दुर्बलता है। सच तो यह है कि किसी भी कलीसिया की सबसे बड़ी संपदा प्रार्थना है। मेरे मित्रों, इन 4 पहचानों को हमें देखना है। प्रेरितों के काम 2:43 में लिखा हुआ है, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। प्रेरितों के पास चिन्ह दिखाने का वरदान था। तब हम प्रेरितों के काम 2:44-47 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी,
और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मेरे प्रिय मित्रों, उस समय की तुलना में कलीसिया कभी भी आत्मिक रूप से ऐसी शक्तिशाली नहीं रही। आज ऐसा जीवन संभव नहीं, क्योंकि बहुत से विश्वासी सांसारिक हैं। यहां ध्यान दें कि कलीसिया की संख्या बढ़ाने वाला प्रभु ही था। आज आपकी कलीसिया में कितने लोग शामिल हुए हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कलीसिया की स्थिति क्या है। यदि वे नहीं बढ़ रहे हैं तो निश्चय जानें कि आपकी संगति ठीक नहीं है। इन चार बातों को पहचानने की कोशिश करें।